Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain about continuity geometry, which is class 9, and iske je exercise ke jitne questions answers bhi given un sabke bhi solution karke main bataungi. First of all introduction karwa do, bahut hi chhota chapter hai, that's why maine single video mein pure chapter ko cover up kiya hai. It means exercise 3.2 and 3.3 मतलब क्या होता है. जब दो चीज एक जगह मिलता है, कोऑर्डिनेशन होती है, तब हम उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना. दो पॉइंट को मिला करके, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जब एक परपेंडिकुलर कहीं पे जब ज्वाइन होते हैं, तो उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट करते हैं. और आगे मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, सिंपल सी बात बता दूं. फिर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि पॉइंट हो गए, लाइन हो गए, एंगल हो गया, कितनी जितने भी शेप्स हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब चीजों को जिस एरिया में हम पढ़ते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है कि एक खास पॉइंट को फाइंड करने के लिए, जिसमें हमें बताई जाती है, उस चैप्टर को हम कोऑर्डिनेट. जैसे कि कोई भी चीज रखा हुआ, सपोज दैट ये बोर्ड है, यहाँ पे कोई चीज रखा, मतलब मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा ए, तब हमसे अब पूछा जाएगा कि इस ए की पोजिशन क्या है, है ना. इस ए की पोजिशन क्या है, तब हम क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर इस तरीका से लाइन करेंगे और इस तरीका से लाइन करेंगे. इनकी इनकी कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीका से हम फाइंड करेंगे. सपोज दैट ये हमारा पॉइंट है, तो ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी ये 50 सेंटीमीटर हुआ और ये 40 सेंटीमीटर हुआ, तो वो हो जाएगा. और ऑलवेज चलो मैं ये सबसे पहले क्या करती हूँ, इस तरीका से समझाने से बेहतर है कि मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि लाइन पे किसी पॉइंट को कैसे इंडिकेट. सपोज दैट ये लाइन है ना, इससे ये जीरो है, इस जीरो वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप किसी एक पॉइंट को इंडिकेट करो, यानी 3 इंडिकेट करो, तो ये सिंगल लाइन की बात है, तो हम इस तरीका से इंडिकेट करते हैं. और दूसरी चीज है, कहते क्या क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करते चली जा रही हूँ. ये वाली पॉइंट ओरिजिन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक डिस्टेंस, मतलब कोई भी आप डिस्टेंस ले लो, है ना, किसी भी दो डिजिट के बीच का, और कभी भी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे ये कार्टेशियन पेज पे बनाई जाएगी, तो उनका जो ड्रॉ किया हुआ रहता है कॉपी, जो ग्राफ बनी होती है, वो ग्राफ का जो एक मतलब इस तरीका से बना होता है, है ना. तो इनका जो डिस्टेंस है ना, और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है कि इसके बीच में इक्वल होते हैं, वो इसी तरीका से बना होता है. सिमिलरली यहाँ और ये ऐसे है जो भी बने होते हैं, उनका डिस्टेंस सेम. इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. कोई सेंटीमीटर नहीं, कोई मिलीमीटर या फिर कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं, हम उसे एक यूनिट से इंडिकेट करते हैं. तो इस मतलब कि कोई भी किसी के दो डिजिट के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, यूनिट. अब चलते ये हो गई लाइन की बात है, कि हमें जब कोई भी पॉइंट इसमें इंडिकेट करने के लिए बोला जाएगा कि -5 करो, तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. अब चलते हैं इसी से रिलेटेड, मैंने एक और लाइन यहाँ पे खींच दिया, है ना. अब इस लाइन को मैंने एक्स बोल दिया और ये इस लाइन को वाई. सिमिलरली ये दूसरे, ये ओरिजिन से दूसरे साइड है, दस वाई एक्स डैश, और ये हो गए हमारा. जो भी ये जो हमने ड्रॉ किया, ये क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट से बना हुआ है, है ना. इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं. एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को क्वाड्रेंट भी कहते हैं. ओके, एंड
नेक्स्ट क्या है, और ये तो ओरिजिन हुआ हमारा, हमारा जो राइट साइड में है ना, ये राइट साइड वाले जो लाइए एक्स एक्सिस है वो आपका पॉजिटिव नंबर वाले है ना, ये पॉजिटिव वाले है, ये निगेटिव वाले। सिमिलरली ये हो गया आपका जो अपसाइड में है वो हो गए पॉजिटिव, एंड जो डाउन साइड में है वो हो गए आपके नेगेटिव, है ना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी कर सकते हो, सो ये लाइन है, चूंकि लाइन का यहाँ पे एरो साइन से ही समझ में आ रहा है क्या है कि ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कहीं इसका कोई एंड नहीं है। ओके, और फिर आ गया आपको कि अब ये चार पार्ट में किसी प्लेन को एक्स और वाई एक्सिस जो है वो चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इन चारों पार्ट का नाम क्या है, है ना, तो इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक्स और वाई एक्सिस जो है किसी प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, एक दो तीन चार, तो इसे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, वन फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेंट का मतलब वन फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों इसे ही फर्स्ट क्यों कहें, तो मतलब इस तरीका से कि ये वाला यहां से हम चलेंगे, यहां पे क्या है, अब हम दोनों एक चीज क्लियर करते हैं कि जब भी यहां पे जो कोऑर्डिनेशन बनेगी, यहां इस जगह, इस लाइन, इस एरिया में जो भी कोऑर्डिनेशन बनेगी, वो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इट मींस प्लस प्लस। देखो यहां पे ये लाइन और ये लाइन, इस कोऑर्डिनेट से जब भी हम करेंगे, सपोज दैट हमें एक कोऑर्डिनेट गिवन है 5 7, चलो यहाँ पे मैंने 7 तक नहीं लिया है तो मैं 5 3 लेती हूँ, अब ये आ गया 5, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस वाले, और सेकेंड वाले जो हमारे नंबर है वो सेकेंड वाई एक्सिस वाले, तो ये 5 लिया फर्स्ट यूनिट में, 5 यूनिट, देन 3 ये लिया, अब ये जो हमारा बन गया है ना, इसके लिए एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एंड y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये जहां पे मीट हुए ये पॉइंट है हमारा पॉइंट। ओके, कहां बना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना। तो अगर हमें कोई डिजिट सिर्फ गिवन हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, तब क्या होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव है ना, प्लस प्लस है, कहां पड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखो, ये हमारा पहले हम x एक्सिस लेते हैं, पहले मैं बता चुकी, पहली वैल्यू होती है x एक्सिस की, अब यहां पे देखो ये x एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव, एंड y एक्सिस पे ही वाली जाएगी व्हिच इज पॉजिटिव। अगर हमसे दिया जाए कि -2 एंड -4, सॉरी +4, या तो फिर +4 नहीं लिखा जाता है पॉजिटिव साइन वाले, तो यही -2 एंड 4 ये किस क्वाड्रेंट में जाए, तब देखो फाइंड करते हैं -2 एंड 4 किस क्वाड्रेंट में आया, ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, किस पॉइंट में आया, ये आ गया -2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। नेक्स्ट ये आ गए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो अगर मैं x एक्सिस को लूं तो वो भी नेगेटिव, एंड y एक्सिस इस पे आएगा तो वो भी नेगेटिव, यानी जब दोनों डिजिट -3 -3, ऐसे डिजिट कहाँ जाएंगे, आप देखो ये -3, सॉरी ये माय पहले x एक्सिस और ये पॉइंट बना, ये परपेंडिकुलर बना, ये हो गया -3 -3, किस क्वाड्रेंट में पड़ी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव नेगेटिव वाले डिजिट हमें गिवन हो तो बस माइंड में सेट रखना है कि किस क्वाड्रेंट की साइन क्या है। लास्ट ये देखो, x एक्सिस पहले x की वैल्यू व्हिच इज पॉजिटिव एंड y ये लेके ना, सपोज दैट गिवन हो 4
माइनस थ्री, ओके, फोर एंड माइनस थ्री, ये पॉइंट यहां पड़ेगी, ये बन गया इसका परपेंडिकुलर और ये बन गई इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया फोर माइनस थ्री। तो इस तरीका से हम कोऑर्डिनेट हमारे पास हो तो सिर्फ साइन से, कोऑर्डिनेट की साइन को देख करके हम पता कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ये जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वो उसकी कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ेगी, उनकी जो ये जो हम उसे ड्रॉ करेंगे वो कौन सी कोऑर्डिनेट में पड़ेगी। तो इस तरीका से मैंने एक्सप्लेन किया और बाकी विशेष ऐसा कुछ इसमें जानने लायक और है नहीं, और अगर सपोज दैट कुछ ऐसा हो विशेष तो मैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ उसे क्लियर कर दूंगी। नाउ एक्सरसाइज 3.1, इसमें दो क्वेश्चंस गिवन हैं, तो मैं बारी बारी से दोनों की सॉल्यूशन कर। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज दैट आपके पास टेबल है ना, ये रहा आपका, थोड़ा सीधा करना, ये रहा आपका टेबल है ना, ठीक ठाक मैंने बना दिया, ये बहुत बढ़िया था भी, और इस पे एक टेबल लैंप रखी हुई है, आप यहाँ पे बैठे हुए, आप कहाँ हो, आपकी सीट जो है वो यहाँ पे है और टेबल लैंप की पोजीशन कुछ इस तरीका से, ओके, यहाँ पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ। तो पूछा जा रहा है किसी अनदर पर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब, तो जब भी डिस्क्राइब करोगे सॉल्यूशन करोगे तो टेबल जरूर ड्रॉ करना, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन है और ये लैंप की पोजीशन है, तो ये हो गया हमारा क्या, नियरेस्ट शॉर्टर साइड, फार्थेस्ट शॉर्टर साइड, ये लेफ्ट लॉन्गेस्ट साइड, राइट लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हो गया इंडिकेशन। तो लिख देते हैं नियरर shortest side, farthest shortest side, left longest side, right Long। तो ये हो आ गए कि ये चारों का हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया कि ये क्या, कौन सा साइड है, ये क्या, हम उसे एक्सप्लेन करने में किसी को आसान होगा। तब हम उसे कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके, फ्रॉम बोथ साइड है ना। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड से किया, आप चाहो तो लेफ्ट साइड का भी ले सकते हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी बच्चे हैं सबका डिफरेंट है, okay। तो ये आ गई हमारी, मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ओके, तो दो लाइन से हम उसे बताएंगे उसकी पोजीशन को, लोकेशन पे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट जो है वो है 50 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक का है आपको 30 सेंटीमीटर, तो हम उन्हें क्या कहेंगे आंसर में जो देंगे हम, तो लिखेंगे कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्टेस्ट साइड है ना, कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्टेस्ट साइड एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट लॉन्गेस्ट साइड। इस तरीका से हम उन्हें दो लाइन के द्वारा दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा टेबल का जो एजेस है उससे रिलेटेड, और उस तरीका से उनके हम अपने पास वाले जो हमारे एजेस हैं है ना, शॉर्टेस्ट साइड, या तो भी आप यहाँ पे एज लिख सकते हो, साइड की जगह पे एज लिख,
shortest is. सब में आप is कर दो. तो ये क्या है हमारा, और आंसर में भी कर दो, शॉर्टेस्ट साइड के जगह पे इज. ये हो गया बढ़िया. तो हम क्या उन्हें हम क्या इंडिकेट करें कि हमारा जो टेबल है बेसिकली रेक्टेंगल ही होते हैं, स्क्वायर तो होता नहीं है, जितने भी स्टडी टेबल होते हैं सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ उनका डिफरेंस होगा. तो इस तरीका से जहाँ पे भी लोकेट है, यानी सबकी अपनी अपनी टेबल है, और आपका लैम्प है जो कहीं रखा होगा, हो सकता है किसी का बिल्कुल सेंटर में हो, एकदम यहाँ हो, है ना, और भी ये मैंने यहाँ रखा यहाँ हो, या तो फिर और दूर में हो, तो इस तरीका से इनका लेंथ ऊपर नीचे जाएगा. तो एक मेजरमेंट अप्रोक्स, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक्चुअली में टेबल दिया जाए तब तो हम उसे मेजरमेंट करेंगे, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि ड्रॉ करना है, और बस हमें उन्हें समझाना है कि हम इस तरीका से उन्हें बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं. जब हमें एक्चुअल में करना हो, प्रैक्टिकली करना हो, तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और उन्हें किसी को भी बता सकते हैं कि हमारा जो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या किसी और किसी भी जगह पे, तो हम मतलब कि किसी जिस जगह पे वो रखा हुआ है उनके दो एजेस को लेकर के, और किस तरीका से हम उन दोनों में परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, और दोनों को ज्वाइन करके, दोनों परपेंडिकुलर का जहाँ पे ज्वाइन होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो ये हो गया, इस तरीका से हम उन्हें आंसर दे सकते हैं. यहाँ पे आ गया आपको सिंगल लाइन की बात, है ना, अभी कोऑर्डिनेशन की बात आई नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट हुआ है बट ये कोऑर्डिनेशन की बात आई नहीं है, सपोज, है ना. तो इस तरीका से हम उन्हें बता सकते हैं कि मेरे नियरर, मेरे पास के वाले जो एजेस है, शॉर्टेस्ट वाले एजेस है, उससे 50 सेंटीमीटर दूर के दूरी पे है, और हमारे जो लेफ्ट साइड वाले, सॉरी राइट साइड वाले जो लॉन्गेस्ट एज है, उससे वो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, वो है हमारे लैंप की पोजीशन. तो इस तरीका से हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई पूरी क्वेश्चन भी मैंने नहीं नोट कर पाई, क्योंकि यहाँ पे आपका इतना बड़ा था कि बोर्ड में भी मेरी जगह नहीं थी. फिर भी बुक है, बुक से मैं रीड करके बताती हूँ. सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज अ स्ट्रीट प्लान, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी स्ट्रीट का प्लान दिया हुआ है. अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. सपोज दैट, है ना, दो रोड है, है ना, और ये क्रॉस कर रही है. और ये दोनों रोड जो है वो सिटी के सेंटर से क्रॉस कर रही है. तो यू नो दैट ये हमारा बन गया x डैश, ये बन गए x, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया y डैश, ये हो गया हमारा ओरिजिन. ये तो इस तरीका से ही मतलब कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो बनता. अब बोला जा रहा है कि रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना. तो अब यहाँ पर ऐसे नॉर्थ साउथ जब बोला है तो मैं ऐसे लिख दूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, ये ईस्ट हो गए और ये वेस्ट हो गया. चलो यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन की, एक सिंगल लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और डायरेक्शन के साथ में बताया गया. तो और जो दूसरा है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो मैंने कर दिया. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. यहाँ इसके यहाँ पे और भी जो स्ट्रीट जो है वो सारे उनके जो रोड है वो इसके पैरेलल और इसके पैरेलल 200 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब हर एक रोड, अब ये रोड है ना, अब इसके पैरेलल में ये जा रहा है, तो इसके बीच में 200 मीटर, फिर अगला 200 मीटर, अगला 200 मीटर, अगला 200 मीटर. सिमिलरली ये सिर्फ ऐसे नहीं गए हैं, ये ऐसे भी आए हैं, तो ये भी 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर इस तरीके से. यूजिंग 1 centimeter = 200 meters, क्योंकि ये कॉपी है ना, तो कॉपी में तो रोड वाले अगर हमें लाना मॉडल बनाना है तो मॉडल की एक मतलब कि हम उसकी वैल्यू लेते हैं कि कितना का वैल्यू लेंगे और उसी का रेशियो हम बना करके सारे के लिए रखते हैं.
तो यहाँ बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर ले 200 मीटर के लिए. ओके, ड्रॉ अ मॉडल टू द सिटी ऑफ योर ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड सिस्टम. और कुछ क्वेश्चन है इसमें गिवेन है, वो मैं पढ़ लेती हूँ. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two street. और जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक particular cross street, कहीं पे भी जब दो street जा रहा है तो जो cross street है वो made by two street, दो streets को मिल करके बनता है. Okay? One running in the north south direction and another in east west direction. Running in the north direction and fifth in the east. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some. पहले मैं क्या करती हूँ कि street यहाँ पे बोला जा रहा है पांच street गए हैं ये north south direction north south और पांच गए हैं west east west direction. तो ये रहा स्ट्रीट, दो तीन चार और ये रहे पांच. सिमिलरली 1 2 3 4 5 है ना, पांच इधर गए पांच इधर, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पांच स्ट्रीट है पैरेलल टू द रोड, है ना, रोड को छोड़ करके. एक तो ये मेन रोड है जो सिटी से में जा रही है, और पांच पांच स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है. आगे बोला जाता है कि इनका इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ, तो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट साउथ वाला कौन सा हो गया, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, तो वह फर्स्ट सेकंड ये वाला हुआ, ये वाली लाइन है ना, ये वाली है, ओके. एंड फिफ्थ बोला जा रहा है ये फिफ्थ इज ईस्ट वेस्ट, सॉरी ये तो ईस्ट वेस्ट गया ना, नॉर्थ साउथ की बात हो रही थी, तो ये वाली सॉरी. और फिफ्थ बोला जा रहा है कि ये इसका ईस्ट वेस्ट, तो फिफ्थ काउंट करेंगे 1 2 3 4 फिफ्थ की है ना, बना कि ये हमें यहाँ पे मार्क करना है यूजिंग द कंजर्वेशन पॉइंट कन्वेंशन पॉइंट. तो यहाँ पे ये हमारा कन्वेंशन हमने पॉइंट किया, ये पॉइंट होगा कि नॉर्थ साइड साउथ वाले सेकंड एंड ईस्ट वेस्ट वाले जो है वो फिफ्थ. आगे दो क्वेश्चन गिवन है जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी लिख रखी हूँ कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3. तो 4 3 4 कौन से हो जाएंगे, यानी कि 2 5 ये वाली पार्ट 2, ये वाली मैंने लिया था, ये 4 है तो ये 3 4 है ना, ये एंड इधर से 3 तो ये 1 1 2 3 ये वाली, ठीक है, उसमें लिया था ये और ये. ओके, 4 3 तो 4 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ ये होगा. नेक्स्ट है हाउ मेनी, हाँ और कितने यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो सिंगल क्रॉस स्ट्रीट है ना, आंसर क्या होगा सिंगल क्रॉस स्ट्रीट. एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, फिर 3 तो 1 2 3 ये हो गया 3 एंड 4 विच इज 1 2 3 4 ये बात है. इससे आगे जाएंगे ये हमारा 3 4 और दोनों के लिए क्या होगा, ओनली ये सिंगल क्रॉस स्ट्रीट है ना, इसमें आपका इसका भी आंसर हो जाएगा सिंगल क्रॉस स्ट्रीट. ओके, और इसका भी आंसर होगा आपका सिंगल क्रॉस स्ट्रीट. ओके, एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है ना, तो एक दो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दो लाइन से मिलकर के वो क्रॉस बना है, तो
दो लाइन से मिलकर के बने हैं तो सिंगल दो ही लाइन है। अगर मान लीजिए इधर से भी जाता तो ज्यादा रोड बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा क्रॉस स्ट्रीट जो है वो सिंगल है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है बस उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन के लिए। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज द नेम। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये दो लाइन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? यहाँ पे जब Cartesian plane में एक चीज को हम draw करते हैं, तो ये जो horizontal और vertical line है, इसे क्या कहते हैं, है ना? तो ये हो गया हमारा x-axis और ये हो गया y-axis। तो first part का answer क्या होगा? x-axis and y-axis. Clear? Next question, what is the name of the each part of the plane formed by two lines? अब ये दो lines से जो plane पे ये part बन रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? Quadrant, है ना? ये मैंने ये भी आपको बता रखी हूँ। इसे क्या कहते हैं? Quadrant. Okay. Third question, which is write the name of the point where these two lines intersect. जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आपको भी बताया था ना? ओरिजिन। थर्ड का आंसर क्या होगा? ओरिजिन। बस बहुत ही इजी था। सेकंड क्वेश्चन ऑफ 3.2। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। मतलब ये फिगर जो आपको एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवेन है ना, और ये क्वेश्चंस गिवेन है, इस फिगर से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और वही आपको देना है। कोऑर्डिनेट बी, ये जो बी पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को चलते हैं विच इज -5, फिर उसके बाद वाई की ओर चलते हैं विच इज 2। इसका आंसर क्या होगा? -5। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है? ये रहा, एक्स एक्सिस चलते हैं 5, देन डाउन -5, द पॉइंट आइडेंटिफाई द बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 से कौन से पॉइंट को इंडिकेट किया गया है? तो -3 सबसे पहले चलते हैं, -3 ये हो गया, और फिर -5 ये नीचे चले गए, -5 ये E है ना। देखो जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही है वो उस पॉइंट का नाम क्या है? E। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, पहले 2 चलते हैं 2 देन -4, ये नीचे आ गए -4 व्हिच इज G। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, अब D फाइंड कर। तो एब्सिसा क्या होता है? जो एक्स एक्सिस होते हैं उसे एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमें डी पॉइंट का ये देखो एब्सिसा, ये देखो कहां से लिया है, ये 6 पे लिया है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच है कहां? ये रहा एच। तो क्या पूछा गया है? ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट वाई वाली है ना, तो वाई देखो कितना है यहां? -3। इसका आंसर क्या होगा? -3। The coordinate of the point L, ये रहा L point। L point का coordinate क्या होगा? हाँ, बस ध्यान देना एक बात। जब point y axis पे हो, तो x उसका 0 होगा, है ना? जब point y axis पे हो, तो x 0 होगा, और बाकी y का तो point दिया हुआ है। Similarly, अगर वो x axis पे हो, तो वहाँ पे y 0 होगा। ध्यान देना, ठीक है? तो L की पूछी जा रही है, तो विच इज 0, 5, एंड दूसरा में कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है M का, तो विच इज क्या हो जाएंगे? -3, 0, है ना? ये हमारा x एक्सिस पे है तो y 0,
y एक्सिस पे है तो x जीरो, यही रूल है। मतलब कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऐसा ना, इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन दिया है, दोनों को अच्छे से ध्यान से देखना कि जब भी हमें x की वैल्यू जीरो हो तो वो y एक्सिस पे पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू जीरो यानी कि इस लाइन का कहां जाएगा, यही तो यही रहे। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ओरिजिन है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या है, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है ना, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये x भी जीरो और y भी जीरो, जीरो जीरो। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, -4, -3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5, ये सारे जो पॉइंट हैं बोला जा रहा है कि कहां पे ये लाइक है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले आंसर दे देते हैं, उसके बाद उसे हम कार्टेशियन प्लेन, यहां पे तो नहीं, आपके पास कार्टेशियन प्लेन वाली पेजेस होंगे, आप उसे करोगे। मैं बोर्ड पे कर रही हूं फ्री हैंड से, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, मेरा थोड़ा इधर उधर होगा। ओके, चलिए पहले आंसर दे दे, है ना। ये क्या है, फर्स्ट वाला, तो -2, 4 है ना, लाइज इन -2। एक्स एक्सिस क्या है, माइनस है, वाई क्या है, पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, फिर 3, -1 है ना, 3 पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। अगर ये पार्ट है तो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये वाली, तो क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट विच इज -1, 0 लाइज ऑन, है ना, y क्या है, जीरो है, क्या बताया मैंने, जब y जीरो होंगे तो x एक्सिस पे लाई करेंगे, ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट विच इज 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, देन -3, -5 दोनों नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अब इसे प्रूफ करें, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, वाई डैस, एक्स डैस, 1, 2, सॉरी मैं थोड़ा और नजदीक ले दे दूं, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, ये और इसे, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, फर्स्ट क्या है, -2, -2, 4 ऊपर जाएंगे, ये रहा ये लोकेटिव, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नेम कर दूं मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके, मैंने क्वाड्रेंट का नेम कर दिया, ये मैंने लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चेक करते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस वाले 3 and -1, ये पड़ गया ना इनकी कोऑर्डिनेशन। नाउ -1, ये हो गए -1 and 0, y 0 है, x एक्सिस पे पड़ी ना, 1, 2, 1 and 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर दिया मैंने, -3, ये -3 एंड नीचे गए -1, थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर दिया। तो ये इस तरीका से आप प्रूफ करके बताओगे कि मैंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3,
क्वेश्चन विच इज प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, एक्स वाई कहने का मतलब है एक्स वाली वैल्यू लेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन ऑन द एक्सिस, हमें एक्सिस पे एक सुइटेबल यूनिट चूज करना है और चूज करने के बाद इसे हमें इंडिकेट करें, प्लॉट करना है, इस पर प्लॉटिंग करना है। मैंने ये पहले से बना करके रखा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ये है आपका x एक्सिस, x डैश, y, y डैश, ओके। अब हमें इस आप जो करोगे वो कार्टेशियन प्लेन पे करोगे, यानी कि ग्राफ की कॉपी में करोगे, मैं फ्री हैंड बोर्ड पे करके आपको बता रही हूँ, ओके। एक्स वाई सबसे पहले मैं इसे क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ। फर्स्ट प्लॉटिंग करनी है माइनस टू एट, फिर दूसरा हो गया माइनस वन सेवन, तीसरा जीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव, फिर ये आ गया वन थ्री, फिर लास्ट वाले आ गए थ्री माइनस माइनस टू एट, है ना, माइनस टू एट जाना है। दैट्स वाई मैंने जो सिक्स तक लिया है, अब मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसे थोड़ा नजदीक नजदीक कर देती हूँ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। इस तरीका से सेवन सिक्स सेवन, चलो माइनस टू एट एट, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे माइनस टू एट। नेक्स्ट माइनस वन सेवन, माइनस वन सेवन, ये हो गए यहाँ माइनस वन सेवन, जीरो एक्स है आपका जीरो, ये जीरो वन पॉइंट टू फाइव, तो इसका फोर्थ पार्ट है ना, इसे फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 50%, ये हुआ तो इसका हाफ, ये आ गया आपका ये वाली जो पॉइंट है जीरो, सॉरी 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 माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ये तो पॉजिटिव वाली मैं लेने लगी, ये हो गया जीरो, एक्स एक्सिस जीरो, और ये हो गया। आपके पास काउंटिंग में होंगे, आप लाइन को काउंट करके नोट करोगे, जीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ओके। नेक्स्ट वन थ्री, वन थ्री ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई ये पॉइंट हो गया। लास्ट वाले पार्ट थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन यानी एग्जैक्ट ये हो गया थ्री। बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जितना मैंने क्वेश्चन था आपको एक्सप्लेन किया, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना।